विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं सेमी मराठी क्लासेस या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 10वी हिंदी मोस्ट IMP असा बोर्ड पेपर। मित्रांनो, आपला आता येणारा पेपर हा हिंदी बोर्ड पेपरचा आहेच। याचपूर्वीही मागील मराठी, इंग्लिश अशा विविध पेपरांसाठी आपल्याला खूपच IMP प्रश्न दिले होते आणि त्यापैकी बहुतांश पेपरामध्ये जसेच्या तसे IMP प्रश्न हे आलेले आहेत। आणि आता मी आपल्या ही जी प्रश्नपत्रिका सांगणार आहे तर यामध्ये आपल्याला खूप सारा फायदा होईल आणि आपल्याला येणाऱ्या पेपरामध्ये याच प्रकारचे प्रश्न आपल्याला पाहायला मिळतील। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघायचा आहे आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करायचे। आणि हो मित्रांनो, जर आपल्याला व्हिडिओची PDF जर हवी असेल तर आपण फक्त या व्हिडिओला जास्तीत जास्त 10 मुलांनी या व्हिडिओला सबस्क्राईब करायचं। आपण 10 मुलांनी या व्हिडिओला जर सबस्क्राईब जर केलं तर मी या व्हिडिओची जी PDF आहे तर याची लिंक ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे। त्यामुळे जास्तीत जास्त मुलांनी याला सबस्क्राईब करायचं आहे। चला तर सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। यामध्ये सर्वात पहिले आपला जो सुरू होतो तो आहे आपला गद्य विभाग। एकूण 20 गुणांसाठी आपल्याला इथे गद्य विभाग येथे विचारण्यात येतो। बघायचं पहिला गद्य विभाग जो आहे तो 8 गुणांसाठी आपल्याला येथे विचारण्यात आलेला आहे। यामध्ये प्रश्न क्रमांक अ, निम्नलिखित पटेल गद्यांश पढकर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है वह हमें अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। जो हमें यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेते फिर इसके पश्चात इस पर जो हमें पूछे गए प्रश्न तथा उसके उत्तर हम यहाँ पे दोनों ही देखेंगे। देखिए, आप वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करने के पश्चात यह अच्छे से पढ़ लेना ताकि अगर पेपर में आपको यही गद्यांश अगर आता है तो आपको यह पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, पिताजी के इस पर देखिए प्रश्न एक, आकृति पूर्ण कीजिए। कुल 2 अंक के लिए यहाँ पे पूछा गया है। पिताजी के न रहने पर लेखक पर यह बीता। ठीक है, इसका उत्तर हम देखेंगे। तो पिताजी के न रहने पर लेखक पर यह बीता। ठीक है, आपको इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि बैंक में नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, आप देखते इसका उत्तर कैसा है। तो बैंक में नौकरी करनी पड़ी है। देखिए, बैंक में नौकरी करनी पड़ी, पिताजी के न रहने पर लेखक पर यह बीता। तो लेखक को बैंक में नौकरी करनी पड़ी, यह उसका उत्तर आएगा। फिर इसके बच्चा 2, लेखक के जन्म के समय उनके पिता यह थे। तो लेखक के जन्म के समय उनके पिता क्या थे, गृहमंत्री, या उन्हें हम क्या कहते हैं, तो पुलिस मंत्री। गृहमंत्री या पुलिस मंत्री, आप दोनों में से कौन सा भी इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बच्चा 3, देखिए, लेखक सदा यह कल्पना किया करते थे। उत्तर देखिए, इसका उत्तर यह आएगा कि हमारे पास यह छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलिशान गाड़ी होनी चाहिए। क्या वह कल्पना किया करते, तो हमारे पास यह छोटी गाड़ी नहीं बल्कि बड़ी आलिशान गाड़ी होनी चाहिए, यह लेखक हमेशा कल्पना किया करते हैं। फिर इसके पश्चात 4, देखिए, क्या लेखक के पिता प्रधानमंत्री होते हुए यह गाड़ी थी। तो लेखक के पिता जब प्रधानमंत्री थे उनके पास कौन सी गाड़ी थी, तो वह उनके पास थी इम्पाला शेवरलेट। देखिए, इम्पाला शेवरलेट यह गाड़ी लेखक के पास थी। कौन सी गाड़ी थी, इम्पाला शेवरलेट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और सिर्फ यहाँ पे आपको 10 सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपको PDF इसके प्रोवाइड कर सकूँ। फिर इसके बच्चा देखिए 2, उत्तर लिखिए 1, लेखक हमेशा कल्पना किया करते थे। तो लेखक हमेशा क्या कल्पना किया करते थे, उनके पास एक यह छोटी गाड़ी नहीं बल्कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। फिर इसके बच्चा 2, देखिए, लेखक को इस बात का गर्व था कि वह प्रधानमंत्री का लड़का है। लेखक को इस बात का गर्व था कि वह प्रधानमंत्री का लड़का है, इस बात का गर्व लेखक को था। फिर इसके बच्चा 2, देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। तो आकृति पूर्ण कीजिए में पहला क्या आएगा, लेखक के पिता पहले इस राज्य के गृहमंत्री थे। उत्तर, तो लेखक के पिताजी क्या कहा के थे, तो उत्तर प्रदेश के लेखक के पिताजी कहा के गृहमंत्री थे। तो लेखक के पिताजी उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री थे। कहा के थे, तो उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री थे। इसके पश्चात देखिए 2, पहले गृहमंत्री को यह कहा जाता था। तो पहले गृहमंत्री को क्या कहा जाता था, पुलिस मंत्री। गृहमंत्री को क्या कहते थे, तो पुलिस मंत्री यह गृहमंत्री को कहा जाता था। फिर इसके पश्चात 3, देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। यहाँ पे हमें पुलिस और पानी यह शब्द दिया गया, तो इनका लिंग क्या आएगा, तो इनका पुल्लिंग यह आएगा। फिर इसके बच्चा देखते हैं, इसके बच्चा 2, परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द खोजकर लिखे। तो परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द कौन सा है, सबसे पहला क्या है, तो ड्राइवर। सबसे पहला शब्द क्या है, ड्राइवर, और दूसरा शब्द क्या है, तो कार। पहला शब्द है ड्राइवर और दूसरा शब्द है कार, ड्राइवर और कार, यह 2 शब्द यहाँ पे आए हुए। फिर इसके पश्चात 4, देखिए, बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखिए। दोस्तों, यह स्वमत का प्रश्न है और स्वमत का प्रश्न हमने ऊपर जो गद्यांश पढ़ा तो वह गद्यांश के आधार पर हमें स्वमत का प्रश्न लिखना रहता है। तो देखिए, इसमें हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे कि बच्चों को नए नए ऊंची कल्पनाओं का शौक लगा रहता है पर माँ बाप वह देखे हुए रहते हैं
और उन्हें इस बात की समझ रहती है कि यहाँ कहाँ पर जाने से फ़ायदा होगा और कहाँ पर जाने से नुकसान होगा, पर यह बच्चों को समझ नहीं रहती और इस ख्याल से क्या तो माँ बाप का जी घबराते रहता है या उन्हें डर लगता है। तो इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिखना है। इसके पश्चात निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो भी गद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आप ये देखिए, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखो तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, उसकी व्यवस्था में संचालन किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कई मांगने जाना नहीं है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्चे की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिला नहीं देना चाहिए। दाखिल हुए कोर्ट भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 महीने या 3 महीने की नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। यह हमें यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं। इसके पश्चात इस पर पूछे गए प्रश्न देखें। सबसे पहले प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम, तो आश्रम के नियम हमें लिखने, कुल 2 अंक के लिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो आश्रम के नियम क्या थे? सबसे पहला देखिए, इसका नियम क्या था? आश्रम यानी घर, उसकी व्यवस्था में संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो, यह आश्रम का पहला नियम था। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, यह दूसरा था। फिर इसके पश्चात किसी से भी पैसे क्या तो लेकिन पैसे नहीं मांगने, यह आश्रम का तीसरा नियम था। और जो भी महिला आएगी वह अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आएगी, यह आश्रम के नियम थे। ठीक है, इसके पश्चात यह हमने 4 नियम देखे। फिर इसके पश्चात देखिए, संजल पूर्ण कीजिए। आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता किस प्रकार से थी? ठीक है, आश्रम में जो भी महिला आश्रम में आती थी उनके लिए आचार संहिता किस प्रकार से थी? कुल 2 अंक के लिए हमें 4 आचार संहिता लिखनी है कि यह किस प्रकार से थी। सबसे पहले जो इस पर आचार संहिता थी तो यह क्या थी? जो भी महिला आएगी वह अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। ठीक है, यदि वह गरीब हो तो सिफारिश करने वाला उसके खर्चा करेगा। तथा इसके पश्चात 3, पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिला नहीं मिलेगा, और दाखिल की हुई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। तो यह क्या थे? इनके लिए 4 यह नियम दिए गए थे। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या था? तो आने वाली महिला अपने साथ खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आएगी। फिर इसके पश्चात 2, जब वह छोड़ना चाहती है तो वह छोड़ के जा सकती है। 3, आते समय उसको परिचय के सब कागज पत्र लगेंगे। और 4, जब भी वह जाना चाहती तो वह जा सकती है। तो इस तरह से इसके आश्रम की महिलाओं के लिए नियम लगाए गए थे। फिर इसके पश्चात 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1, अखबार, अखबार का क्या आ जाएगा? तो वृत्तपत्र। व्यवस्था, व्यवस्था का क्या आएगा? तो व्यवस्था का आ जाएगा तैयारी। फिर इसके बाद देखिए, बेघटक का क्या होगा? तो निडर। और भोज का क्या आएगा? दोस्तों हमें यहाँ पे कमेंट में इसका उत्तर लिखना है। तो भोज का समानार्थी शब्द क्या आएगा? फिर इसके पश्चात 4 देखते हैं, आश्रम की आवश्यकता, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्द में उत्तर लिखिए, कुल 2 अंक के लिए। दोस्तों यह स्वामत का प्रश्न है। देखते हैं कि आश्रमों की आवश्यकता, तो आश्रमों की आवश्यकता देखते हैं, तो आश्रम बहुत प्रकार के होते हैं। तो सही, इसमें देखिए कि अनाथ आश्रम, बाल आश्रम, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, अनेक प्रकार के आश्रम होते हैं। तो इनमें जैसे कि कोई भी अगर बेसहाय है तो उन्हें आश्रम की आवश्यकता होती है। तो यह विषय पर हमें 25 से 30 शब्द में अपने स्वयं के विचार आप लिखने। फिर इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात ई, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कुल 4 अंक। यहाँ पर हमें जो भी गद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है, वीडियो पॉज करना है, और वीडियो पॉज करने के पश्चात जो भी आप हमें गद्यांश दिया गया है उसे हमें पढ़ लेना है। देखिए, एक आकृति पूर्ण कीजिए। तो क्या है आकृति पूर्ण कीजिए? संस्कृति की पहचान करवाने वाले घटक। इसका उत्तर, तो संस्कृति की पहचान करवाने वाले घटक क्या है? तो हमारा खाना पीना, कपड़ा, उठना बैठना, रोना हंसना इत्यादि क्या है? तो हमारे संस्कृति की पहचान करवाने वाले घटक है। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 घटक लिखने, तो 4 से यहाँ पे हम ज़्यादा भी घटक यहाँ पे दिए गए पर हमें सिर्फ 4 घटक यहाँ पे लिखने। फिर इसके पश्चात 2, पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्द में यहाँ पे हमें विचार लिखने, कुल 2 अंक के लिए। तो हमारी संस्कृति पर किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ते जा रहा है और हमारी
संस्कृति किस तरह से लोप हो रही है, यह हमें 25 से 30 शब्द में अपने स्वयं के मत से यहाँ पे बताने। फिर इसके बाद हम देखेंगे विभाग क्रमांक दो। तो विभाग क्रमांक दो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हमें पद्य विभाग दिया गया है कुल 12 अंक के लिए। ठीक है, पहला जो विभाग दिया गया है प्रश्न क्रमांक दो, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए कुल 6 अंक के लिए आप यहाँ दिया गए हैं। देखिए हमें यहाँ पे जो जो पद्यांश हमें दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ने के पश्चात फिर इस पर जो भी हमें कृतियाँ पूर्ण कीजिए वह हमें कृतियाँ यहाँ पे पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर तालिका पूर्ण कीजिए इन्हें, और यह कहा है तो संत, इसका क्या तो जाएगा संत। ईश्वर को प्राप्त करने कर स्थिर हुआ जीव कौन सा है, तो संत। यहाँ पर ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हुआ जीव है। फिर इसके बाद दो, सज्जनों के सद्गुण। तो सज्जनों के सद्गुण क्या होते हैं, तो एक एक करके उनमें ही स्थिर होते हैं। ठीक है, इसके बच्चा दो, आकृति पूर्ण कीजिए पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। तो पहला जल स्रोत क्या है, तालाब, और दूसरा जल स्रोत क्या है, तो नदी, नदी और तालाब। इसके बच्चा दो, निम्नलिखित शब्दों के पद्यांश प्रयुक्त शब्दों खोज कर यहाँ पर लिखने हैं हमें कुल 2 अंक के लिए। यहाँ पर पहला बादल, दो मटमैला, 3 विद्वान और 4 भयानक। फिर इसके पश्चात 3 देखें, उपयुक्त पद्यांश के प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो उपयुक्त पद्यांश के प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में अपने शब्दों में यहाँ पे स्पष्ट हमें करना है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए कुल 6 अंक के लिए यहाँ पे हमें कृतियाँ करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो कृतियाँ दी गई, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना है, मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोला सोना कहाँ है, मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रातों से सोया नहीं हूँ, वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, मैं जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने कावे में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ, वे झुसलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, मैं मुस्कराकर बोला कि अर्थ मेरे कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारी नोट कहाँ है, परीक्षा से एक महीने पहले तैयार करूँगा, वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा कहाँ है, मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यह जो हमें पद्यांश दिया गया है इस पर पूछे गए प्रश्न देखिए, एक आकृति पूर्ण कीजिए, सबसे पहला आकृति पूर्ण करनी है, तो हमें छापे में मांगी गई वस्तुओं के कवि ने इस प्रकार से रूप में लिया है। ठीक है, तो सोना धातु, तो इस प्रकार पहला शब्द जो सोना है, तो सोना किसके लिए, नींद, सोने का क्या अर्थ में लिया, तो नींद इस अर्थ में सोने को कवि ने लिया। फिर इसके बाद अर्थ, अर्थ को किस अर्थ में लिया, तो अर्थ को कविता के कविता में छुपा अर्थ, किसमें, कविता में छुपा अर्थ। फिर इसके पश्चात चांदी, चांदी तो बालों की सफेदी चांदी। फिर इसके पश्चात नोट, परीक्षा के लिए तैयार किए गए नोट्स, परीक्षा के लिए तैयार किए गए नोट्स। दो, कविता के आधार पर जुड़िया मिलाइए कुल 2 अंक। दो, कविता के आधार पर जुड़े मिलाइए अ तथा ब घट। यहाँ पर देखिए अर्थ, एक अर्थ, दो स्वर्ण, 3 चांदी और 4 मुद्रा। तो अर्थ, अर्थ क्या है, काव्य कृतियों में कहाँ पर अर्थ, कहाँ पर, तो काव्य कृतियों में। स्वर्ण, स्वर्ण कहाँ पर है, इस तरह से इसके उत्तर आएंगे। ठीक है, फिर इसका बच्चा 3, उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से तीसरे शब्दों में लिखिए। विभाग क्रमांक 3 पूरक पठन कुल अंक 8 अंक के लिए यहाँ पे हमें पूरक पठन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो भी पद्यांश दिया गया तो उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके पश्चात इस पर जो पूछे गए प्रश्न देखते हैं, तो एक यहाँ पर संजल पूर्ण कीजिए गर्मी की विशेषताएं, तो गर्मी की हमें विशेषताएं बतानी है। तो इसका उत्तर, गर्मी की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है, सबसे पहले इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ी। ठीक है, भीषण गर्मी, अंगारों से तप रही थी, लू और उसम की चैन नहीं मिल रही थी। ठीक है, इस प्रकार से क्या, तो गर्मी की विशेषताएं हमें यहाँ पे बताई गई है। फिर इसके पश्चात 2, छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों से चीज़ खरीदते समय हमारा व्यवहार, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में विचार लिखिए। छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदार हम किस तरह से नापतोल करते हैं यह हमें बतानी है। फिर इसके पश्चात निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार हमें यहाँ पे कृति लिखनी है।
यहाँ पे तालिका पूर्ण करिए। देखिए सबसे पहले उस मिट्टी में खेलने वाला था दो लगन का सच्चा साथी, तीन शेर के जबड़े में के दांत गिनने वाला और चार अपने पराक्रम के आगे किसी को न गिनने वाला। तो यह हमें क्या क्या इसके उत्तर हमें इस पद्यांश के आधार यहाँ पे हमें लिखने हैं। देखिए सबसे पहला उस मिट्टी में खेलने वाला, तो उस मिट्टी में खेलने वाला कौन है, तो ध्रुव उस मिट्टी में खेलने वाला है। तो लगन का सच्चा साथी, तो लगन का सच्चा साथी यहाँ पे कौन है, तो देखिए प्रहलाद। लगन का सच्चा साथी कौन है, तो यहाँ पे लगन का सच्चा साथी प्रहलाद है। फिर इसके बच्चा तीन शेर के जबड़े से दांत गिनने वाला उत्तर भरत, शेर के जबड़े से दांत गिनने वाला भरत। और तथा चार जयमल पत्ता, यह क्या, तो अपने पराक्रम के आगे किसी को न गिनने वाला जयमल पत्ता। कव्वाली काव्य विद्या के बारे में अपने 25 से 30 शब्दों में विचार हमें लिखने हैं यहाँ पर। फिर इसके पश्चात विभाग क्रमांक 4 भाषा अध्ययन कुल अंक 14। प्रश्न क्रमांक 4 सूचना के अनुसार आकृतियाँ पूर्ण करनी है हमें। सबसे पहले आप शब्द भेद पहचानना है। जब आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए तो इस शब्द का आश्रम, इस शब्द का हमें शब्द भेद लिखना है। फिर इसके पश्चात आ दो निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव को शब्द अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए और या धीरे धीरे। तीन कृति पूर्ण कीजिए शब्द शब्द संधि विच्छेद और संधि भेद। तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद और संधि भेद हमें लिखना है, तथा सदैव का शब्द तथा संधि भेद हमें यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद सहायक क्रिया और मूल क्रिया यह पहचान कर लिखनी है। इसके पश्चात सीना और पेटना, इसका प्रथम प्रेरणाथक तथा द्वितीय प्रेरणाथक रूप लिखना है। फिर मुहावरा आस जगना तथा समर्पित होना, इस शब्द का हमें मुहावरा लिखना है। इसके बाद विभाग क्रमांक 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन कुल 26 अंक के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें पत्र लेखन करना है। तो पत्र लेखन देखिए गांधी चौक निजामपुर से कृष्णकांत जोशी व्यवस्थापक इंदिरा औषधि भंडार क्रांति चौक जालना को घरेलू औषधि BPV द्वारा मंगाते हुए पत्र लिखता है या लिखती है। अथवा सोहम सीमा देसाई 705 संभाजीनगर अकोला के स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका अकोला को दूषित पानी की तरफ आकर्षित करते हुए पत्र लिखता है या लिखती है। दोनों में से हमें एक यहाँ पे पत्र लिखना है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न निर्मित, हमें यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है और फिर इस पर पूछे गए सॉरी इस पर हमें चार प्रश्न यहाँ पे हमें लिखने हैं जो कि इसके उत्तर एक एक वाक्य में होने चाहिए। फिर इसके बाद छात्र वृत्तांत लेखन, देखिए वृत्तांत लेखन यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। तो यहाँ पे हमें वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। अथवा यहाँ पे हमें जो कहानी दी गई तो वह कहानी हमें शीर्षक के सहित अच्छे से यहाँ पे पूर्ण करनी है। विज्ञापन लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। हमें नया घर खरीदने पर गृह प्रवेश करने हेतु विज्ञापन तैयार करना है। तथा निबंध लेखन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्द में निबंध लेखन करनी है। प्रदर्शनी में 2 घंटा तथा वर्षा ऋतु और 3 विज्ञान के चमत्कार, तो इस पर हमें निबंध लेखन करना है।